चले हैं, चले अखाड़े कहस चले हैं, नागा मिलने शंभु से आतुर कुंभ चले हैं, कुंभ चले हैं। प्रयागराज में अध्यात्म का सबसे बड़ा संगम यानी कि कुंभ का आयोजन होने जा रहा है। वैसे तो कुंभ का अर्थ कलश से होता है, लेकिन यहाँ कुंभ का मतलब अमृत कलश से है। दरअसल कुंभ का सबसे पहले उल्लेख 6वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के काल में मिलता है। मान्यताओं के मुताबिक समुद्र मंथन के बाद निकले 14 रत्नों में से एक अमृत कलश भी था। असुरों से अमृत कलश की रक्षा करते हुए इंद्र के पुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर स्वर्ग की तरफ भागे। इस दौरान 4 जगहों हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में अमृत गिरा। मान्यताओं के मुताबिक अमृत कलश को स्वर्ग तक ले जाने में 12 दिनों का समय लगा। देवताओं का एक दिन पृथ्वी के एक साल के बराबर होता है, इसलिए 12 वर्षों में कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ के मेले के दौरान यहाँ होने वाले स्नान आकर्षण का केंद्र होते हैं। शाही स्नान के लिए अखाड़ों का भव्य स्वागत किया जाता है। इस बार 15 जनवरी से 4 मार्च तक कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस बार मकर संक्रांति 21 जनवरी, 4 फरवरी, 10 फरवरी, 19 फरवरी और 4 मार्च को स्नान की तिथियां घोषित की गई हैं, जिनमें मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के दिन ही शाही स्नान होगा। यदि कुंभ में आपकी भी आस्था है तो प्रयागराज आपका इंतजार कर रहा है। कमाले लगाले डुबकी भाग जगाले, हर हर